हैं। आंखें कोमलता से बंद, प्रसन्नचित होकर एक बार ओम का उच्चारण। योगेन चेतस्य पदेन वाचा मलं शरीरं च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलयानतोऽस्मि पातांजलिं प्राञ्जलयानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन, श्रद्धे आचार्य श्री को नमन, यूजीसी एचडीआरसी नागपुर की बहन प्रीति जी और अन्य जो भी हमारे साथ शिक्षक शिक्षिकाएं जुड़े हैं उनको नमन, और आप सभी साधक एवं साधिकाओं को नमन करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ कर। मैंने अभी एक प्रार्थना बोली, कल भी बोली थी, किसी को लगता होगा मैं रोज हो सकता है यही बोलूंगा। ये प्रार्थना महर्षि पतंजलि के लिए ही कही गई है। संगु वत्स के महाराज भोज एक महान साहित्यकार, उन्होंने महर्षि पतंजलि के लिए प्रार्थना कही है, और इसी प्रार्थना के आधार पर महर्षि पतंजलि का जन्म ईसा से लगभग 200 वर्ष पूर्व माना जाता है, क्योंकि जो संगु वंश का शासन काल है वो लगभग 150 शताब्दी के आसपास का है। 100 से ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व से लेकर 200 वर्ष के पूर्व, तो उसी समय का महर्षि पतंजलि को माना गया है, इसलिए मैंने महर्षि पतंजलि के लिए प्रार्थना की। तो हमने कल समाधि पाठ, जो साधक आध्यात्म के प्रसाद को पाकर पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण गुरु के आशीर्वाद के कारण जो समाहित चित्त हैं, जो एकाग्र अवस्था में है, उन्हें निरुद्धावस्था तक ले जाने के लिए समाधि पाठ का वर्णन। अब इसके बाद आते हैं जो क्षिप्त हैं, मूढ़ हैं और विक्षिप्त हैं। क्षिप्त और विक्षिप्त के लिए क्रियायोग और क्रियायोग का मैंने बिल्कुल सहज में वर्णन किया। यदि हम कर्मयोग की बात करने लगे तो कर्मयोग का चैप्टर लगभग एक दिन का ही हो जाएगा। ज्ञान योग की बात करें तो ज्ञान योग भी एक दिन का ही, और भक्ति योग भी काफी समय लगेगा, मतलब कम से कम एक दिन तो इन तीनों के लिए चाहिए। तो संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को इंडिकेट करते हुए क्रिया योग के बीच में ये तीनों समाहित हैं उनका वर्णन किया, और अब हम साधनपाद, और साधनपाद में क्रियायोग और क्रियायोग में आया कि हमें समाधि की आवश्यकता क्या है। तो आया कि समाधि भावनाथ क्लेश तनुकरणार्थस्य, समाधि का एकमात्र उद्देश्य है क्लेशों को तनु कर, छोटा कर, और क्लेशों को छोटा करते हैं तो ये क्लेश क्या है ये जानना है। तो कल हमने नाम बताए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अग्नि, थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि इन सब में जो प्रबल है, ये जो पांच क्लेश हैं, इनका मूल कारण है पहला अविद्या। इन सब की उत्पत्ति जन्म अविद्या से होता है। अब साधना से, समाधि से इन क्लेशों की चार अवस्थाएं लाई जाती, वो है अविद्या, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशाम, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न,
उदाहरणाभ्याम उदाहरणाम। अविद्या का जो क्षेत्र है इसको हमें डिलीट करने के लिए, इससे बचने के लिए हमें जो है चार स्थितियों में यह प्राप्त होती है, घटित होती है। और वह है, पहली है प्रसुप्त। साधना के द्वारा सभी लोग वीडियो ऑन रखें, कोई वीडियो ऑफ नहीं करें। नेटवर्क इशू है क्या है, वीडियो ऑफ आ रहे हैं ज्यादातर। कल काफी खुले हुए थे, आज वीडियो ऑफ आ रहे हैं। तो पराग जी आगे हम बात कर रहे हैं प्रसुप्त। जैसे बाल्यकाल में जन्म से लेकर 12 वर्ष तक वासनाएं सोई हुई रहती है, इन्हें प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। बीज रूप में उपस्थित होती हैं लेकिन सोई होती हैं। ऐसे ही साधना के द्वारा साधक के मन में वासनाएं बीज रूप में होती हैं लेकिन वो जैसे सो गई हों, है ही नहीं, ना के बराबर। वो बीज रूप में ही सिर्फ शेष होती हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। स्वामी हमारे रामदेव जी महाराज वर्तमान में हैं, स्वामी विवेकानंद जी, दयानंद जी और तमाम ब्रह्मचारियों ने लोक कल्याण के लिए काम किया, तो इनकी वासनाएं सोई हुई। तनु, तनु कहते हैं साधना के अभ्यास से इनको छोटा कर लेना। कभी कभार थोड़ा सा कोई वासनात्मक विचार मन में आ गया, कभी कभी कोई स्वादिष्ट भोजन करने के लिए कह दिया, कभी अपनी इच्छा व्यक्त कर दी कि आज तो ये खाना है, ये करना है, तो बाकी वो बहुत छोटी माइनर होती है। अब इसके बाद में आता है तीसरा, विच्छिन्न। छिन्न, विच्छिन्न का अर्थ है टुकड़े टुकड़े कर देना, छोटा थोड़ा कर देना। तो जैसे ही कोई मन में वासना आई, मंत्र रूपी पत्थर उठाया और उसको मार दिया। जैसे आपके मन में कोई वासना उठी, आपने ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर, गायत्री का जप शुरू कर दिया, तो वो वासना टूट जाती, आध्यात्म के प्रहार। उदारणाम। और चौथी अवस्था है उदार। उदार का अर्थ है उदार का अर्थ है राहुल जी, उदार का मतलब है जैसे हम एक समय में, जैसे जब हमने स्वादिष्ट भोजन किया और पेट भर के कर लिया, तो 3 घंटे के लिए अब भोजन के प्रति हमारी जो अटैचमेंट है वो समाप्त हो गई, लेकिन वो टेम्परेरी है। ऐसे ही जब माता और पुत्र स्नेह पूर्वक एक दूसरे के गले लग रहे हैं, प्रेम से वार्ता कर रहे हैं, उस समय उन्हें किसी अन्य में कोई रुचि नहीं, तो जिस वृत्ति के कारण विघ्न आना था उसी वृत्ति से उसको डिलीट करना। जैसे प्रीतम और प्रेयसी, एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों आज साथ होते हैं और प्रेम रस में होते हैं, तो उतनी देर के लिए उस पुरुष को स्त्रियों में और उस स्त्री को अन्य पुरुषों में कोई किसी प्रकार की अटैचमेंट नहीं है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सन्यासी हो गए। वो सन्यासी नहीं हुए बल्कि वो उदार वृत्ति में हैं। ये उदार अवस्था है। अब इसके बाद में ये अविद्या है क्या, ये काम कैसे करती है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, इसको थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने बताने का प्रयत्न किया। और वो है अनित्य, सुचि, दुख, अनात्म सुख, ये तो अविद्या है। नित्य, सुचि, सुख, आत्म ख्यातिर विद्या, ये विद्या है। तो अनित्य का मतलब है जो संसार की वस्तुएं आज हैं कल नहीं है, जो आज स्वादिष्ट पकवान और भोजन है वो कल मल बनेगा,
उनसे में नित्यता देखना, उनमें सुख खोजना। जो अध्यात्म का प्रसाद, परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान जो अमृत के तुल्य और नित्य है, उसमें मन न लगना। अशुचि, जो हाइजीनिंग, जो अशुद्धि है, उसी में मस्त रहना। बहुत सारे कहते हैं वो तो अहोरी बाबा है, इसलिए वो तो नहाते ही नहीं, वो तो कपड़े धोते ही नहीं। अपवित्रता को प्रेम करना, अभद्र भाषण करना, तो अवध अशुचिता, तो अनित्यता, अशुचिता और फिर दुखी रहना। दुख में हमेशा जो लोग, बहुत सारे लोगों की एक नेचर होती है, कैसे हो, ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, राजनीति बहुत खराब हो गई है, अरे तुझे क्या करना है, सबसे अपनी साधना करना, तू साधक है, योग कैसा चल रहा है, प्राणायाम कैसा चल रहा है, ध्यान कितना करता है, इसके बारे में बताना। राजनीति की चिंता है, समय बहुत खराब हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट का मैच जीत गया, अरे तेरे क्या लेना देना भाई, उसकी प्रशंसा करनी है, कर, तुझे भारत का जिंदाबाद करना है, भारत की जीत पर जश्न मनाना है, मिठाई बांटनी है तो बांट, दुखी क्यों है, प्रसन्न होना सीख। तो ये इसको अविद्या का अनात्मसु, और जो आत्मा को प्रसन्न करने वाला आनंददायी जो ज्ञान है उससे दूर रहना, ये सब अविद्या का क्षेत्र है। और विद्या का क्षेत्र इससे उलट है। विद्या में क्या है, नित्य वस्तुओं को नित्य मानना, उन्हीं को प्रेम करना, पवित्रता को प्रेम करना, वाणी की पवित्रता, भाषण की, वेशभूषा, शरीर से लेकर मुख से लेकर दांत से लेकर पूरी पवित्रता, अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, और फिर सुखी रहना, हर समय प्रसन्नचित रहने का प्रयास करना, पॉजिटिव थॉट। और फिर उसके बाद आता है आत्मख्यातिर विद्या, आत्मा को विवेक के साथ, विवेक के द्वारा आत्मा को जानने के प्रयत्न की जो विद्या है, जानने की जो विद्या है, उसकी प्राप्त करने में समय व्यतीत करना, इसका नाम है विद्या। तो मुझे लगता है विद्या और अविद्या दोनों क्लियर हो गए होंगे। योग दर्शन या दर्शन शास्त्र को समझने के लिए ये विद्या और अविद्या के क्षेत्र को समझना अति उपयोगी है, अति आवश्यक है। प्रीति बहन ठीक कह रहा है, क्लियर। तो अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में और बता देते हैं। अविद्या हो गई, अब ये अस्मिता क्या है। दिग द्रग दर्शन शक्तियोर एकात्म तैव अस्मिता, दृष्टा और दृष्टि का संयोग, दृष्टा और दृश्य का संयोग। सामने बहन खड़ी है तो मेरे मन में विचार बहन के अनुरूप ही आएंगे, और सामने स्त्री खड़ी है तो स्त्री के अनुरूप आएंगे। थॉट जो है हमारे, तो दृष्टा और दृष्टि के बीच में जो सामंज संयोग हो जाना, एक रूपता होकर उसका प्रलोभन हो जाना, उससे जुड़ जाना, इसे अस्मिता कहते हैं। वैसे अस्मिता दो प्रकार की, एक अस्मिता है अहंकार जो हमें विनाश की ओर ले जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक है, इससे बचना। लेकिन अस्मिता के साथ साथ एक शब्द यहाँ और आता है अहंकार के अलावा, वह है स्वाभिमान। मुझे अपने राष्ट्र पर, मुझे अपने गुरु के ज्ञान पर, बहन प्रीति को अपने इंस्टीट्यूट पर, अपनी एकेडमी पर गर्व करना ही चाहिए, इसमें बुराई क्या है, होना ही चाहिए। तो इसमें अहंकार नहीं होना चाहिए और स्वाभिमान अवश्य होना चाहिए, अभिमान नहीं स्वाभिमान। तो इन दोनों के बीच में, अभिमान और स्वाभिमान के बीच में भेद करने के लिए विद्या की जरूरत। स्वाभिमान कब अभिमान बन जाएगा कई बार तो हमें पता ही नहीं लगता। तो इसके लिए तो ये अस्मिता कहलाती है। दृष्टा और दृष्टि के एकात्म तैयब, एकता हो जाना, एक सा लगने लगना, बस इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता, इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, बिना सैलरी के तो मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, बिना मेजे को बुलाया बहन ने पर मेरे सम्मान में दो शब्द नहीं बोले बहन, तो ठीक नहीं लगा मुझे जाकर, ये सब अभिमान है ना।
अब इसके बाद में आता है सुखानुसयी राग, जिसमें सुखद अनुभूति हो वो राग है। जैसे मुझे रोज ऐसा ही भोजन मिले, जैसे मैं कभी कभी जोक में कहा करता हूं कि जब पति पत्नी की अधिक प्रशंसा करे तो अगले दिन सब्जी में नमक ज्यादा डाल दे, पता लग जाए कि वो आधा चम्मच नमक भी खा सकता है या नहीं। वैसे प्रेम में बड़ी ऊंची ऊंची बात करता है, या बिना नमक की सब्जी बना दे, बिना चीनी की चाय बना दे, है ना। तो ये राग है, ये राग के कारण मुझे ऐसा ही भोजन चाहिए, सोने के लिए एसी चाहिए, इतनी लंबी चलने के लिए गाड़ी चाहिए, ये सब राग है। और ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच प्रकार के राग हैं। और दुखानुसयी द्वेष, जिसमें मुझे सुख की अनुभूति ना हो, दुखद अनुभूति हो, द्वेष है, ऐसा भोजन मेरे सामने दोबारा नहीं आए, मैं ये कभी नहीं खाता, मुझको ये नहीं खाना, मुझको ये नहीं करना, मुझे यहाँ नहीं जाना, मैं यहाँ नहीं बैठा, ऐसी जगह नहीं पढ़ा सकता, ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ाऊं तो इतनी संख्या होनी चाहिए, ये सब दुख द्वेष है ना। जाई विधि राखे राम ताई विधि, जो स्थिति है उसमें आनंद लेना, जो प्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं जिनके साथ हैं उन्हीं से एक फ्रेंडली व्यवहार करना, एक मित्रता के साथ उन्हीं से अटैच हो जाओ, जुड़ जाओ। अब इसके बाद आता है स्वरसवाही विदुषो अपि तथा अरुणो अभिनवेशा। ये अभिनवेश क्या है? अभिनवेश कहते हैं मृत्यु का भय। तो ये जितना विद्वान को होता है उतना ही, विद्वान को भी उतना ही होता है और जो अज्ञान वाले हैं उनको भी उतना ही होता है। मृत्यु से तो सभी डरते हैं, यदि कहीं कोई भूकंप आ जाए तो जान बचाने के लिए सब भागते हैं, कोई बचता है क्या? लेकिन अब यहाँ एक आनंद की बात यह है कि जो मर गया वो तो लौट कर नहीं आया, और जीवित है उसने मृत्यु के भय को, कष्ट को देखा नहीं, तो फिर हमें डर क्यों लगता है? जो मिठाई हमने खाई नहीं, हम उसको कैसे कह रहे हैं बहुत अच्छी है या बहुत खराब है? तो प्रीति जी ठीक कह रहा हूं ना, मर के तो कोई लौट के नहीं आया, और जीवित जो है उसे मृत्यु का दुख नहीं पता, तो फिर मृत्यु से भय क्यों? तो यहाँ इस सूत्र में कहा स्वरसवाही विदुषो अप, जब जब मृत्यु होती है प्राण के साथ आत्मा के साथ मन भी जाता है, और मन में वो संस्कार अंकित होते हैं जो मृत्यु के समय वेदना होती है, या जो मृत्यु के समय वेदना होती है और जन्म के समय जो वेदना बच्चे को, माता के साथ बच्चे को भी प्रसव की पीड़ा झेलनी पड़ती है, उस समय की पीड़ा से दोबारा रिपीट नहीं करना जाता। स्वरसवाही विदुषो अपि तथा अरुणो अभिनवेशा, उसके निरंतर के संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारे भीतर भरे हुए हैं, वो डर, वो दर्द हमने जो झेला है उसे दोबारा नहीं झेलना चाहते, इसलिए हमें मोक्ष चाहिए, मृत्यु से बचना है। लेकिन मोक्ष के लिए काम नहीं करेंगे। मजेदारी क्या है, देखिए अविद्या और विद्या में एक शब्द और ले लीजिए आप, अविद्या, जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें नहीं चाहिए, और जो हमें चाहिए उसके लिए कर्म नहीं करना, ये हम सबका लगभग लगभग मानव मात्र का स्वभाव है। विद्यार्थी को पूरी साल शिक्षक डांटता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर वो पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन रिजल्ट वैसा चाहता है कि टॉपर जो बच्चे सारा दिन पढ़ने में लगे रहते उन जैसा आए। तो जो हमें चाहिए उसके लिए हम कर्म करें, ये विद्या। और हम कर्म तो करते हैं कुछ और, बन तो जाए हम योग दर्शन के ज्ञाता, पर पढ़ाई करे प्रीति बहन, ऐसे दोनों काम तो होंगे नहीं। प्रीति बहन नोट करेगी, प्रीति बहन पढ़ाई करेगी, तो फिर अगली बार में प्रवचन भी प्रीति बहन ही करेगी। अच्छा प्रीति बहन के लिए क्लैपिंग होंगी तो वो मुझे चाहिए, वो कैसे मिल जाएंगी साहब? क्यों डॉक्टर राहुल, ठीक कह रहा हूँ? तो यही विषय हम लोगों को समझना है, इसी का नाम अभिनवेश मृत्यु का भय है, और मृत्यु से भय क्यों लगता है इसके बारे में मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला, मैंने जो मुझे ठीक लगा उस तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब मुझे लगता है कि हम इसको यहीं रोक देते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये हम चल रहे हैं साधन पाद का सूत्र संख्या 9।
अब हम चलते हैं सीधा साधन पाद की सूत्र संख्या 28। चलो 26 देख लेते हैं। 26 गीता की भाषा में और योग दर्शन की भाषा में, आयुर्वेद की भाषा में हम बात करें तो चार चीजें हमारे सामने स्पष्ट होती हैं। दुख, नंबर एक दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख को निवारण का उपाय, इनको हमने कहा, दुखों को कहा हेय, कारण को कहा हेय हेतु, निवारण को कहा हान और निवारण का जो रूट है उसको हमने कहा हानोपाय। हेय हेय हेतु हान और हानोपाय। इसी तरह आयुर्वेद जब पढ़ते हैं तब आता है रोग, रोग का कारण, रोग का उपचार और योग रोग का निदान। तो हे हेतु हान और हानोपाय। तो यहाँ योग दर्शन में यही चार शब्द लिए गए और यही चार शब्द गीता में भी प्रयोग हुए, हे हेतु हान और हानोपाय। अब यहाँ 26वें सूत्र में ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे जीवन में हम सारे उपाय किस लिए करते हैं, दुख से बचने के लिए, दुख को दूर करने के लिए। तो विवेक ख्याति विपल्लवा हानोपाया, यानी विवेक और ख्याति, जो ख्यातिपूर्ण ज्ञान है, ज्ञानपूर्ण ख्याति है, वो हमें दुखों से बचाती है, इसका एकमात्र साधन। अब ये विवेक ख्याति को प्राप्त कैसे करें, तो इन्होंने कहा 28वें सूत्र में कह रहे हैं, योग अंग अनुष्ठानम अशुद्धिच्छये अज्ञान दीप्त विवेक ख्याति। डॉक्टर गिरीश जी क्लियर हो रहे हैं? यस। तो इन्होंने कहा कि योग के अंगों का जो अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान मतलब रोज करता है, उन्हें अपने प्रयोग में लाता है, उसके ज्ञान दीप्ति, उसका ज्ञान बढ़ता है, फैलता है, दीप्त होता है और विवेक ख्याति को प्राप्त करता है और उसके भीतर जो अज्ञान रूपी अशुद्धि है उसका क्षय होता है, जो अविद्या का क्षय और विद्या की प्राप्ति। तो योग अंग अनुष्ठानम अशुद्धि क्षय अज्ञान दीप्त विवेक ख्याति। अब इन्होंने कहा, अच्छा अब ये शुरू भी किस लिए हो रहा है, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं एक बार। हमने कहा मूड, चित्त विचित्त एकाग्र अनिरुद्ध, या चित्त मूड विचित्त एकाग्र अनिरुद्ध। तो हमने एकाग्र वालों के लिए तो हमने निरुद्ध में जाने के लिए समाधि पाद कर लिया और विचित्त वालों के लिए क्रिया योग। लेकिन तो क्या मूड और चित्त हैं वो योग नहीं करेंगे, क्या गुरु के सानिध्य में बैठकर साधना नहीं करेंगे? तो जो मूड प्रवृत्ति के हैं वह भी यदि योग करना चाहते हैं, गुरु के सानिध्य में आ गए हैं, चित्त हैं जो राजसिक हैं, जो तामसिक हैं, उनके लिए ये अष्टांग योग अशुद्धियों का क्षय करेगा और ज्ञान की प्राप्ति कराएगा। तो ये अब अष्टांग योग क्या है इसको जानते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी, यानी ये योग के आठ स्टेप हैं, इन आठों को मिलाकर बनता है अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के आठ। अपने अंदर बाहर से पूर्ण शुद्धि करना चाहते हो तो इन आठ अंगों का जीवन में उतारो। अब उतारने से पहले हम पहले जान तो लें ये है क्या। तो सबसे पहला है यम। यम तो यहां इन्होंने कहा कि यम के पांच प्रकार हैं।
फाइव टाइप ऑफ यम, यम के पांच पार्ट है, फाइव पार्ट है, और वो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसके विस्तार पर थोड़ा सा आगे बात करेंगे, पहले नियम को भी जान लेते हैं। ये नियम क्या है? और वो नियम है शौच, संतोष, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये हमारे नियम हैं। तो पांच यम, पांच नियम। अब इनके विस्तार के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, थोड़ा थोड़ा सिंपली आराम आराम से इनको जान लेते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अहिंसा का अभिप्राय क्या है? योग दर्शन या साहित्य, हम वैदिक साहित्य के आधार पर लेके चलें तो मन, कर्म, वचन से किसी को कष्ट देना अहिंसा। सामान्य रूप से तो किसी प्राणी की हत्या करने को, मारने को हिंसा कहते हैं, लेकिन योग के आधार पर हत्या तो बिना मारे भी हो जाती है। जैसे अब एक पुत्र से एक पिता कहता है कि तुमने मेरे अभिमान, मेरे स्वाभिमान को रक्त बहा दिया, मार दिया, मुझे जीते जी मार डाला, तुमने मेरे अरमानों का खून कर दिया। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे यहाँ प्रस्तुत हैं। डॉक्टर उदय, क्लियर हो रहा है? यस। तो अहिंसा का अर्थ है, अहिंसा का अर्थ है कि किसी का भी किसी भी प्रकार से कष्ट देना हिंसा, और इसके अपोजिट हुआ प्रसन्नता देना, आनंद देना, सुख देना, वो हिंसा। अब इन्होंने अहिंसा की परिभाषा, महर्षि पतंजलि परिभाषा भी लिखते हैं और परिभाषा के साथ साथ इसकी उपयोगिता भी लिखते हैं। अहिंसा का पालन करने से लाभ क्या है, इसका प्रतिफल भी लिखते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा एक ऐसा साधन है जिसके पालन और प्रयोग से सामने वाला हिंसक भी अहिंसक बन जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रहों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी शक्ति का आकलन करा दिया। अहिंसा इसको कहते हैं जब शत्रु का भी अहित न करना या अहित न चाहना, शत्रु के भी मंगल की कामना करना। अब ये कामना की कैसे जाती है, मैं एक छोटे से उदाहरण से बताता हूं। जैसे मुझे किसी ने गाली दी तो एक प्रत्युत्तर तो यह है कि मैं भगवान इसका नाश हो जाए, इसका बुरा हो जाए, कोई कहता है इसकी जीभ जल जाए, लेकिन योग की भाषा में कहा जाए तो कहा जाए कि हे परमात्मा इसको सद्बुद्धि दे ताकि ये मुझसे द्वेष ना करे, मैं इसका अहित नहीं चाहता। यदि उसके पास सद्बुद्धि होगी तो मेरा उसका जो द्वंद्व है वो समाप्त। द्वंद्व का कारण ही अविद्या है। अरविंद जी, आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, तो ये इन्होंने कहा अहिंसा का अर्थ हुआ जिसके सानिध्य में आने से सभी प्रकार के, यानी किसी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई बैर ना हो, उसे अहिंसा कहते हैं। और अब आता है सत्य। सत्य क्या है? यदि हम जर्नली सत्य की बात करें तो जैसा देखा और सुना उसे वैसा ही कहना सत्य। पर मुझे लगता है कि सत्य अलग अलग व्यक्ति के धर्मानुसार अलग अलग होता है। जैसे एक सीबीआई का ऑफिसर, आर्मी का जवान किसी कारणवश किसी और के द्वारा बंदी बन जाए
तो अपने रहस्य को छुपा के रखना सत्य है या उसको बता देना सत्य है? नहीं डॉक्टर साहब, सीबीआई का ऑफिसर किसी कारणवश किसी दूसरे राष्ट्र में सीआईडी का सीबीआई का पकड़ा जाता है, कोई गुप्तचर पकड़ा जाता है, तो क्या वो अपना सब कुछ सत्य बता दे? नहीं, 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 उसके सत्य का संकल्प है कि वह अपना जो संकल्प लिया उसे पूर्ण करे, चाहे प्राणों की बाजी लगा दे, है ना? तो अपने धर्म का पालन करते रहना किसी भी विषम परिस्थिति में सत्य है। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, इसको यदि हम गीता से समझें, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दूसरे अध्याय में कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यम, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। सत्पुरुषों को प्रमोट करने के लिए, दुष्टों को डिस्करेज करने के लिए, दंड देने के लिए जो कुछ करना पड़े वो सब सत्य कार्य, वो सब सत्य है। एक सैनिक अपने राष्ट्र के लिए शत्रु सैनिक पर गोली चलाता है, उसकी हत्या करता है, तो क्या वो हिंसा है? क्या वो असत्य कर्म है? नहीं, वो उसका सत्य कर्म। तो इसी तरह यहां पूरे ब्रेन का प्रयोग करते हुए कोई कहने लगे कि भाई सत्य, अब तो हम अहिंसा का पालन करते हैं, तो क्या फिर अब हम मच्छरों के लिए फिनाइल नहीं डालेंगे? क्या मच्छरों के लिए हम कोई स्प्रे नहीं करेंगे? तो यहां पूरी तरह से विवेक का प्रयोग करते हुए अहिंसा सत्य का पालन करें। अब इसके बाद आता है अस्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। ये अस्य क्या है? अस्य है चोरी, चिटिंग, मन कर्म वचन से किसी को धोखा देना, हानि पहुंचाना चोरी है। तो इस चोरी के लिए, अब चोरी न करने का, चिटिंग न करने का लाभ क्या है? अस्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जैसे घर में जो सबसे भोला बच्चा होता है वो मांखा सबसे प्यारा होता है, जो घर में से भोजन स्वादिष्ट भोजनों को ढूंढकर व्यंजनों को खा लेता है, माँ उससे भोजन को छुपाती है, और जो सबसे भोला होता है उसे थाली में परोसकर देती है कि तू पहले खा ले, नहीं तो वो खा लेगा। इसी तरह यह धरती माता जो सारे रत्न, हीरा जवाहरात स्वर्ण से लेकर सब कुछ धरती माता के गर्भ से निकलता है, तो धरती माता भी ये अपनी भोली संतानों को, सात्विक संतानों को ही देना पसंद करती है, देना चाहती है। अर्थात ये प्रकृति माता अपनी सर्व संपदाएं उन्हीं को देती है जो अस्य का पालन करते हैं। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, ब्रह्मचर्य की सामान्य परिभाषा है वीर का रक्षण करना। जो शुक्र है, वीर है, ओज है, जिसे ओज और तेज के नाम से जाना जाता है, यदि हम इसे आयुर्वेद की भाषा में ले जाएं, ओज और तेज, ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि देखते हैं जब हम किसी के चेहरे को देखते हैं, इसके चेहरे पर तो ब्रह्मचर्य का तेज झलक रहा है। क्या मासूमियत है, हम तमाम युवाओं को देखते हैं, कई लोगों को कहते नहीं इसके अंदर तेज नहीं है, चेहरा कांतिहीन है, तेज ही नहीं। तो इसने कहा कि शरीर के नौ द्वारों का शुद्धिकरण, यानी किसी को नाक से म्यूकस बहता है, मुख से बलगम निकलता है, तो क्या फेस पर कांति होगी, फेस पर सौंदर्य होगा? नहीं होगा ना। तो उस अवस्था में हमें स्वस्थ रहने के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास करना और ब्रह्मचर्य का पालन। और ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित होने का एकमात्र है वाणी और फेस का आकर्षण, आकर्षक होना। अब इसके बाद आता है अपरिग्रह, अपरिग्रहे जन्म कथनता संबोध।
अपरिग्रह मतलब परिग्रह कहते हैं संग्रह को, एकत्रीकरण। आरती बहन, जो हम अपने पास इकट्ठा करते रहते उसे संग्रह परिग्रह। और परिग्रह का त्याग, साई इतना दीजिए तामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथन भूखा जा। हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, मैं भूखा ना रहूं अतिथि भूखा ना हो, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो जाए और इनकम टैक्स वालों की सेल टैक्स वालों की चिंता ही ना हो, क्योंकि इतना हो ही ना। तो अब इसमें मैं तो ये कहूंगा कि भैया सबसे कहा जाए कि धन का त्याग कर दो तो बड़ा मुश्किल है, धन इकट्ठा मत करो, पर एक काम तो कर लो, अपरिग्रह का प्रयास तो करो। मैं तो बहनों से कहता हूं अलमारी में जितनी जोड़ी कपड़े रखने की जगह है उतने ही रखो, एक्स्ट्रा शॉपिंग करो तो पुराने वाले दान कर दो, टेंशन कम रहेगी। घर में कोई कवाड़ा निकलता है आप स्टोर रूम में रख देते हैं, वहां मक्खी मच्छर छिपकली जन्म लेते हैं, और दोबारा जब जरूरत पड़ती है तो या तो आप जगह भूल जाते हैं या उनको जंग खा जाता। तो उसी समय किसी कवाड़ी को दे दो तो बेचारा 10 रुपये कमा लेगा, उसका परिवार पलेगा, वो आपका कंट्रीब्यूशन ही होगा। तो एक दान की प्रवृत्ति को लगातार बनाए रखना, संग्रह का त्याग, और ऐसा करने से जन्म कथनता संबोध है। जो अपरिग्रह का पालन करता है वह उसकी मेमोरी इतनी लंबी होती जाती है कि धीरे 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 उसे पूर्व जन्म का भी आभास होने लगता है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, कहाँ था, क्या था और अब क्या हूं और मुझे आगे क्या बनना। इस पर वो विचार भी करने लगता है और वह जान भी लेता है। जन्म कथनता संबोध। तो ये यहां से यम अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम हुआ। अब यम को एक पंक्ति में परिभाषित करने के लिए आपको कहा जाए तो कैसे करेंगे? संपूर्ण समाज में एक आदर्श स्थापित करने के लिए हमारा जीवन शैली कैसी हो, इसका नाम यम। समाज में एक विशिष्ट व्यक्ति बनकर आप जीना चाहते हैं, समाज से सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, समाज के लिए कोई ओपिनियन अपना मार्गदर्शन मोटिवेशन देना चाहते हैं तो आप क्या करें? अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पालन, इनके पालन से ही समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। विवेक और ख्याति, इनके युक्त होकर जीवन जीना विवेक, और जो प्राप्त हो वो ख्याति। विवेकपूर्ण आचरण करने से जो आपको प्राप्त हो वो ख्याति। दूसरों के द्वारा आदर, अब इससे आगे चलते हैं नियम पर। नियम में आया, यम में हमने ये बताया कि हमें सबके साथ कैसा व्यवहार करें, समाज में कैसे रहें, लेकिन अब नियम में बताया कि हम अपने आप के साथ कैसा व्यवहार करें, हमारा बिहेवियर अपने आप के साथ कैसा हो और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी। तो सबसे पहले कहा सोच, सोचात स्व अंग जुगुप्सा पर संसर्ग ही, पर संसर्ग, यानी जो शुद्धि के साथ रहता है, अपने शरीर के अंगों की साफ सफाई, कपड़ों की, वस्त्रों की सफाई, स्वच्छ स्थान पर जो रहता है उसे गंदगी से एलर्जी हो जाती है, फिर वो गंदे व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पसीना आ रहा हो, जिसने नहाया ना हो, जिसमें दुर्गंध आ रही हो, उसकी टचिंग भी उसे खराब हो। दो लोगों के संपर्क संसर्ग से पसीना आता है, बदबू आती है, तो उससे उसे घृणा होती है, तो वो दूसरे के संसर्ग से भी बचता है, दूसरे के स्पर्श से भी बचता है। तो अपने अंगों के प्रति उसे एक शरीर के प्रति, शरीर की शुद्धि के प्रति, शरीर के अंगों के प्रति एक अटैचमेंट हो जाती है, लगाव हो जाता है, जो बना रहना चाहिए। हमें गंदा नहीं रहना, स्वच्छ रहना है, सात्विक विचारों में रहना है, इसी का नाम यम है। और ये जो अंदर और बाहर की पूरी शुद्धि हो जाती है तो पूरा योग सिद्ध होने का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है, यम और नियम से। तो यहाँ
41 41 सूत्र में लिखते हैं सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग तत्वानि च अहिंसा सत्यस्य ब्रह्मचर्य परिग्रह और शौच का पालन करने से हमारी प्रवृत्ति सात्विक हो जाती है, हमारी बुद्धि की शुद्धि हो जाती है, सत्य शुद्धि सौमनस्य फिर हम विनम्र हृदय हो जाते हैं, एकाग्र और मन शांत होकर फोकस करने लगता है, एकाग्र जिस काम को करते हैं उसमें पूरा फोकस, इंद्रिय जय और मन जैसे एकाग्र होता है तो फिर वो धीरे धीरे इंद्रियों पर अपना विजय पा लेता है, इंद्रियों को विजय करता है, आत्मदर्शन और इंद्रियों का जय होते ही आत्मा का दर्शन होता है, जो कल मैंने बताया था नित्य शुद्ध बुद्ध और मुक्त, नित्य शुद्ध बुद्ध रूप यानी आत्मा के स्वरूप का दर्शन करने के लिए हमें यम और नियम का पालन करना होता है। योग तत्वानुचय जो आत्मदर्शन है यही तो योग का तत्व है, इसी के लिए तो सारा एफर्ट्स है, इसी के लिए तो सारी कोशिश है, तो हमें इस योग के तत्व को प्राप्त करना है। अब आता है संतोष, संतोषात अन उत्तम सुख लाभ, संतोष का पालन करने से हमें उत्तम उत्तम प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। कहते हैं संतोषी सदा सुखी, जो संतोषमय जीवन जीता है, संतोष के साथ जीता है, परमात्मा पर विश्वास, संतोष का दूसरा नाम है आस्तिकता, परमात्मा पर विश्वास करके जीता है, वह तरह तरह के हमेशा सकारात्मक भाव में जीते हुए आनंद की अनुभूति करता है। अब आता है तप, ये तप क्या है, तो यहां इन्होंने तप की परिभाषा महर्षि पतंजलि लिखते हैं, कायेन्द्रिय अशुद्धिच्छया तपसः, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धिच्छया तपसः, शरीर मन और इंद्रियों की अशुद्धियों का क्षय करना, वो दूर करना ही तो योग का उद्देश्य है, उद्देश्य यानी यही तो तप है। मन सहित इंद्रियों, शरीर मन और इंद्रिय, इन तीनों की अशुद्धियों को दूर करना अर्थात इन्हें शुद्ध करना, पवित्र करना ही तप का मुख्य उद्देश्य है। फिर आता है स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, अब देखिए जो क्रिया योग है इसमें संक्षिप्त में आ गया तप, तप क्या है, शरीर मन और इंद्रियों की शुद्धि करते रहना, दूसरा स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, निरंतर किसी व्यक्ति विशेष का, किसी महापुरुष का, किसी शास्त्र का आप अध्ययन करते रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो आपके भीतर आपको कभी कभार ऐसी अनुभूति होती है बोलते हुए काम करते हुए दूसरों को अनुभूति होती है कि इस व्यक्ति के भीतर फला व्यक्ति की आत्मा उतर आई है। जैसे मैं कह सकता हूं कि स्वामी रामदेव जी महाराज जब योग पढ़ाते हैं, योग कराते हैं, तो मैं कहता हूं मुझे लगता है कि उनके भीतर पतंजलि की आत्मा उतर आई है, लेकिन जब बालकृष्ण जी महाराज आयुर्वेद पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि उनके भीतर धन्वंतरी चरक की आत्मा उतर आई है, जब स्वामी जी महाराज राष्ट्र प्रेम पर बोलते हैं तो मुझे लगता है कि उनके भीतर उनके भीतर राजगुरु की आत्मा प्रकट हो जाती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग स्टेजों में जो जिसके बारे में अधिक स्वाध्याय करता है उसी के साथ उसका बहुत करीबी संबंध हो जाता है, वो उसकी प्रतीक रूप कॉपी बन जाता है। फिर आता है ईश्वर प्रणिधानात समाधि सिद्ध, समाधि सिद्ध ईश्वर प्रणिधानात, समाधि का सिद्ध होना ही ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधान अर्थात समाधि में चले जाना, समाधि का सिद्ध हो जाना, समाधि के लिए तैयार हो जाना। तो ये यहां तक यम और नियम की हमने चर्चा कर ली, यम और नियम।
अब यम और नियम के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है आसन। यम और नियम के बाद तीसरा है आसन, पांच यम पांच नियम और तीसरा आसन। अब आसनों पर थोड़ा सा बात करते हैं। जब हम हठयोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि आसनों के बारे में चर्चा करें तो 84 लाख आसन बताए जाते हैं। 84 लाख योनियों में से 84 लाख आसनों में से योग में सिद्धि के लिए हठयोग की प्राप्ति के लिए 84 आसनों को प्रमुख माना। 84 में हठयोग प्रदीपिका ने 15 आसनों को प्रमुख माना। शिव संहिता में 84, गिरण्य संहिता में 32। अर्थात अब इन आसनों में प्रमुख आसन और वो है पद्मासन और सिद्धासन। अब इसमें महर्षि पतंजलि ने आसनों का वर्णन नहीं किया और उन्होंने आसनों की ओर संकेत करते हुए उसके मूल रूप को बताया, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता से सुखपूर्वक जो भी शरीर की पोजीशन बनाई जाए उसे आसन कहते हैं। शरीर की आकृति को बदलना और उसमें स्थिरता से सुखपूर्वक बैठना। आसनों का अभ्यास स्थिरता से सुखपूर्वक ही करना चाहिए, उसमें कोई जल्दबाजी उतावलापन ना हो, स्टेबिलिटी के साथ। अब हमें आसन की जो पूर्णावस्था है वो क्या है इसे जानना हो। मान लीजिए मैंने पद्मासन लगाया, मेरा पद्मासन सही है गलत है, पद्मासन सिद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे से अर्धमत्स्येन्द्रासन हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या करना है? तो ये एक पैरामीटर दे रहे हैं हमें, प्रयत्न शैथिल्यांत अनंत समापत्तिभ्याम। जब प्रयत्न शिथिल हो जाए, जब प्रयत्न शिथिल हो जाए और ध्यान अनंत परमात्मा में लग जाए, आप आसन कोई सा भी लगाएं, उस आसन की पूर्ण अवस्था में जाएं, जाने के बाद आपको वहां रुके रहने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करना पड़े, आपकी नेचर जैसी, शरीर की नेचर जैसी बन जाए, आप उस अवस्था में बैठकर आनंद की अनुभूति करते हुए ध्यान को अनंत परमात्मा में लगा दें, आसन आपको कष्ट देना बंद कर दें, तो इसे आसन की सिद्धि कहते हैं, आसन की पूर्णता पूर्णावस्था कहते हैं। लेकिन आप ये लिखते हैं कि भाई ये आसन हम करें तो आसनों से हमें लाभ क्या होता है? तो इन्होंने कहा, ततो द्वंदान अभिघात। आसन का लाभ कल मैंने बताया, कल मैंने क्रिया योग में आपको तप की परिभाषा बताई, तपो द्वंद सहनम, द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति आ जाती। यहां ये लिखते हैं कि आसनों के अभ्यास करने से द्वंद हमें परेशान नहीं करते, द्वंद हमें दुखी नहीं करते, अभिघात हमारे ऊपर किसी प्रकार का हमें कष्ट नहीं पहुंचाते। जो रोज आसनों का अभ्यास करता है उस पर कोई द्वंद काम नहीं करते, ना दुख ना सुख ना भूख ना प्यास ना सर्दी ना गर्मी, लाभ ना हानि, जय ना पराजय, उस समभाव में रहने का प्रयत्न रहता है। तो ये हो गया आसन के लाभ। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं प्राणायाम। यम हो गए, नियम हो गए, आसन हो गए, प्राणायाम का नंबर है। अब प्राणायाम है तो यानी कहा, आसनेन रजोहन्ति प्राणायामेन पातकम्। आसन से रजोगुण की निवृत्ति होती है तो प्राणायाम से पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। शरीर के हार्डवेयर के लिए जहां हम आसन करते हैं वहीं सॉफ्टवेयर के लिए प्राणायाम करते हैं। आसनों को हम क्रिया योग कह सकते हैं, क्रियात्मक कह सकते हैं, और प्राणायाम को हम ध्यानात्मक कहते हैं। यहां यदि हम इसका वर्गीकरण करें तो अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं इनमें पहले 4 यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये अंतरंग के हैं और 3 बहिरंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, और प्रत्याहार इन दोनों को मिलाने वाला फ्लाईओवर सेतु। या हम ये भी कह सकते हैं
कि चार अंतरंग और चार बहिरंग। तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार, आसन सॉरी यम नियम आसन और प्राणायाम ये बहिरंग, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग। यहाँ चार चार ही समझ लीजिए आप, हठ योग आएगा तो फिर ये अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने आसनों तक की बात कर ली, अब हम प्राणायाम की बात करते हैं। प्राणायाम किस तरह करते हैं, क्या है? तो इन्होंने कहा तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा इति प्राणायामः। आरती बहन, सभी प्राणी निरंतर श्वास लेते और छोड़ते हैं। अब प्राणायाम में क्या है कि शरीर की रिक्वायरमेंट से जो नॉर्मली प्राणायाम श्वास चल रहा है उसका विच्छेद कर देना, उसे अपनी मर्जी से लेना और अपनी मर्जी से छोड़ना, इसको हम क्या कहेंगे? प्राणायाम। तो श्वास के ऊपर भिन्न भिन्न क्रियाएं करके हम अलग अलग नामों से प्राणायाम और अलग अलग तरीके के लाभ उठाते हैं। भस्त्रिका करेंगे तो बॉडी को हीटअप करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे तो ना हीट करेंगे ना कोल्ड करेंगे, सूर्यवेदी करेंगे तो बॉडी हीट होगी, चंद्रवेदी करेंगे तो कोल्ड होगी, है ना? तो ये, लेकिन इन सब में क्रिया क्या है? श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना। क्रिया तो दो ही है ना, पूरक लेना, रेचक छोड़ना। क्रिया तो हम दो ही कर रहे हैं, पूरक और रेचक। अब इसके बीच में तीसरी स्थिति और है, वो है रोकना। सांस लेना, रोकना, फिर छोड़ना। तो पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, तीन चीजों की। अब कुंभक दो प्रकार का हो गया, एक आंतरिक एक बाह्य। बाहर निकाल के रोकना, अंदर लेकर रोकना। अंदर भी रोक सकते हैं, बाहर भी रोक सकते हैं। अंदर भी रोक सकते हैं और बाहर भी रोक सकते हैं, जहां हम रोकना चाहें, हमें जो ठीक लगे। अब इसको इन्होंने आगे एक सूत्र के रूप में लिखा, प्राणायाम योग दर्शन के अनुसार पूछे जाएं कितने प्रकार के हैं। तो इन्होंने लिखा वाय, अभ्यांतर, स्तंभ वृत्ति, देश काल, संख्या भी, परिदृष्टो, दीर्घ सूक्ष्मा। श्वास को बाहर छोड़ना, अभ्यांतर श्वास को अंदर लेना, स्तंभ जहां का तहां रोक लेना, ये तीन प्रकार के जो क्रियाएं हैं श्वास की, इनको देश काल, देश यानी जलवायु के अनुसार कौन सी जलवायु में किस प्रकार करना चाहिए, कहां अंदर रुकना है कहां बाहर रुकना है। ठंडे मुल्क में तो वस्त्रिका करो, गर्म मुल्क है तो शीतलीय शीतकारी करो। स्तंभ रोकना, देश काल यानी जलवायु मौसम, और संख्या कितनी बार करना, परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, और कितनी देर रोकना, ये आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अभ्यास के अनुसार, प्रैक्टिस के अनुसार और जलवायु और मौसम के अनुसार तय करना। अब चौथा प्राणायाम इन्होंने बताया बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्था। बाह्य अभ्यांतर विषयाक्षेपी चतुर्था, बाहर जाने वाले को भी डिस्टर्ब न करना और अंदर आने वाले को भी डिस्टर्ब न करना, और आंखें बंद करके सिर्फ मन की आंखों से सांस को देखना, न लेने का प्रयत्न है न छोड़ने का प्रयत्न है, ओनली फॉर वॉच, वॉच योर ब्रीथ। इसको क्या कहा राधे श्याम जी? इसको हमने कहा चौथा प्राणायाम, जिसको हम हठ योग में जब जाएंगे तो इसका नाम होगा केवली प्राणायाम। इसको हम क्या कहते हैं? केवली प्राणायाम ध्यान में और समाधि में जाने के लिए उपयोगी होता है। तो ये प्राणायाम हो गया, लेकिन अब प्रश्न उठा प्राणायाम करने का हमें लाभ क्या है? तथा क्षीयते प्रकाश आवरण,
ऐसा प्राणायाम करने से प्रकाश का जो आवरण है वो छीण हो जाता है। अब प्रकाश का आवरण क्या है? अंधकार। प्रकाश किससे ढका होता है? अंधकार से। तो जब प्रकाश फैलता है तो क्या होता है? अंधकार मिट जाता है। इसी तरह ज्ञान का आवरण है अज्ञान। ज्ञान किससे ढका है? अज्ञान से। और अज्ञान किससे ढका है? ढकता है ज्ञान से। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जो प्रकाश का, ज्ञान का जो आवरण अज्ञान है, जो अंधकार है प्रकाश का आवरण, वो मिट जाता है, अर्थात क्लियरिटी आ जाती है, जो संशय है वो क्लीन हो जाते हैं, डाउट खत्म हो जाते हैं। तत्चेते प्रकाश आवरणम। और फिर इसके बाद आता है धारणा सूच योग्यता मनसः। फिर आता है धारणा। ये धारणा क्या है? धारणा मन की एक योग्यता है। मन को एक स्थान में एक समय में एक ही कार्य करने की ट्रेनिंग देना धारणा। अब धारणा के साथ में अब यहां एक शब्द है प्रत्याहार। अब हम थोड़ा सा प्रत्याहार पर चर्चा करते हैं। प्रत्याहार पर चर्चा कर रहे हैं। ये प्रत्याहार क्या है? बहुत सारे लोग सामान्य रूप में कह देते हैं प्रत्याहार का मतलब प्रत्याहार, जो रोज भोजन करना, डेली भोजन करते हैं तो रोज भोजन जैसे करते हैं ऐसे प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का आहार से कोई संबंध नहीं। प्रत्याहार का मतलब है जैसे हमें भोजन रोज चाहिए वैसे ही अभ्यास भी रोज चाहिए। ऐसा नहीं है कि आसन तो जब मोटापा आएगा तब कर लेंगे, कभी कभी कर लिए, ध्यान कभी करा कभी नहीं करा, तो ऐसा नहीं है भैया, वो तो आपको रोज करना ही पड़ेगा। अब इन्होंने कहा प्रत्याहार को, महर्षि पतंजलि ने लिखा, स्व विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार एव इंद्रियाणां प्रत्याहारः। स्व विषया संप्रयोगे, प्रत्येक इंद्री अपने अपने विषय में रमना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, आंख देखना चाहती है, त्वचा छूना चाहती है, और अपनी अपनी इच्छा के मन की स्थिति के अनुसार वस्तु को उपयोग करना चाहती है। अब इंद्रिय जिस ओर जाती है चित्त भी उसी ओर जाए, चित्त उसके साथ जुड़ जाए तो उसी ओर बह जाती है, और स्वरूपानुकार अब उसी के अनुरूप अपने आप को महसूस करने लगते हैं हम। जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो एक प्रेमी बन जाते हैं, हम घृणा कर लेने लगते हैं तो शत्रु बन जाते हैं। तो हम जो है उसको अपने अनुसार अनुभव करते हैं। तो यहां इन्होंने कहा इव इंद्रियाणाम, इंद्रियां सभी अपने अपने विषयों को त्याग कर चित्त के अधीन होकर और उन्हीं विषयों का चिंतन करती है तो फिर उससे हानि नहीं होती, समाधि की प्राप्ति होती है। जैसे प्रारंभ में ही मैंने एक शब्द कहा था, ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे एक बहन और एक स्त्री में जो अंतर होता है। जब बहन कहते हैं तो कल्पना में बहन होती है, आदर होता है, वासनाएं अपने आप समाप्त हो जाती, लेकिन वो स्त्री होती है, सुंदरी होती है, युवती होती है, तो फिर वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो प्रत्याहार यही है, हमें हर समय रोज करना है। अब इसको मैं थोड़ा सा और आपके सामने एक सुंदर उदाहरण से इसका कैसे प्रयोग होता है, क्या होता है, आपको बताने का प्रयत्न करता हूं। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं? बोर तो नहीं है? काफी देर हो गई, विषय लंबा है तो करना तो पड़ेगा। जो मनोज जी मुस्करा रहे हैं, भाई करना तो पड़ेगा, क्या करें, क्योंकि हमें तो ये निश्चित समय में अवधि में पूरा भी करना है। आज इसको हम लोग यहाँ इसे पूरा करते हैं। तो अब चलिए प्रत्याहार को एक साधारण से उदाहरण से समझने का प्रयत्न, और मुझे उम्मीद है कि आप भाई बहन सारे समझ जाएंगे आज प्रत्याहार क्या होता है, और फिर कभी भूलेंगे भी नहीं, ये गारंटी है मेरी। फिर दोबारा ऐसे भूलेंगे भी नहीं कभी। और वो क्या है,
प्रत्याहार को ऐसे करें जैसे माता घर में भोजन बना रही है और अकेली है, छोटा बच्चा है, बच्चा साथ में तभी तो माता है ना। मैंने ये नहीं कहा कि स्त्री भोजन बना रही है, माता घर में भोजन बना रही है और अकेली है, अब बच्चा छोटा है, तो माँ क्या करेगी? माँ बच्चे को रसोई के गेट के सामने बिठाती है जहां से वो देख सके। अब वो सब्जी काटे, आटा गूंदे, रोटियां सेके, लेकिन उसका ध्यान कहाँ होता है? बच्चे पर होता है ना। तो बस अब हम लोग अपना जीवन में कुछ भी काम करें लेकिन ध्यान कहाँ हो? भगवान में, चिंतन में, सुमिरन में, मनन में, है ना। कैसे कर सकते हैं? जब माँ एक साथ दो काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम अपना जो भी कार्य करें, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध करो लेकिन अपने मन को मुझ में लगाओ। युद्ध जैसे भयंकर कार्य में कोई परमात्मा का चिंतन कर सकता है तो हम सामान्य क्रियाकलाप में क्यों नहीं कर सकते? राधेश्याम भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, कर सकते जी। अब इसमें थोड़ा सा और आगे ले चलता हूं आपको। अब इसमें यह है कि वो माता बच्चे को खिलाते हुए, बच्चे को देखते हुए, उससे बातें करती हुई भोजन बनाती है और भोजन में भी कोई चूक नहीं करती। बच्चा खेलता है तो खेलने देती है और थोड़ा बहुत बीच बीच में रोता है तो रोने भी देती है। ऐसे लगता है बच्चे को जैसे माँ को तो मेरी परवाह ही नहीं है, माँ तो भूल गई है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा कोई चाकू बच्चे के हाथ में आ जाए, बच्चे के पास कोई चीटा बिच्छू कोई जीव आ जाए जो बच्चे को हानिकारक हो, या फिर बच्चे मलमूत्र कर ले, एक बार को मूत्र कर ले तो माँ डवाट भी कर दे, लेकिन मल कर ले, मल का त्याग करे और उसमें हाथ गंदे कर ले, तो फिर माँ क्या करती है? सब कुछ भोजन जहां हो, रोटी जले तो जल जाए, सब्जी जले तो जल जाए, सब छोड़कर उस बच्चे को उठा लेती। लेकिन जब माता बच्चे को उठाती है तो बच्चा उसी वस्तु के लिए जिद करता है, रोता है। बच्चे को तो वही चाहिए, वही खेल के लिए चाहिए, तो माता क्या करती है कि उसे कोई दूसरे खिलौने देकर उसे बहलाती है। कोई बजने वाला खिलौना देती है, कोई बजने वाली सीटी देती है, कोई गांव की माताएं चाय आटे की चिड़िया बना देती हैं, वगैरह वगैरह, कोई ना कोई साधन देकर वह माता उस बच्चे के मन को बहलाने का प्रयत्न करती है। इस मन के यानी अनिष्ट को, उस बच्चे का अहित नहीं होने देती, उसे चाकू से उंगली काटने नहीं देती। यदि बच्चा पेन ले ले और उसे लगे कि मुंह में आंख में चुभ जाएगा और बच्चा पेन के लिए जिद करे तो ऐसा पेन चेक करके देती है जिसको वो खोल नहीं सके, उसके निब से नुकसान ना पहुंचाए। करती है ना आरती, आरती बहन माता ऐसा ही करती है ना। तो क्या करती है? अनिष्ट से बचाती है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें माता बनना है, आत्मा माता मन पुत्र। वो बालक कौन है? मन। हम कौन है? आत्मा। अब हमें इस अपने मन रूपी बालक को उसी तरह खिलाना है जिस तरह माता अपने बच्चे को खिलाती है, उसका नुकसान नहीं होने देती, उसे रोने भी नहीं देती, बस उसके मन की दशा को चेंज कर देती है। तो जब हमारे मन में कोई वासना जन्म ले, हमें लगे कि ये तो वासना की ओर जा रहा है, तो तुरंत हम ओम राम सोहम ओम नमः शिवाय गायत्री मंत्र हनुमान चालीसा कोई भी सात्विक खिलौना देकर इसे बहला सकते हैं। इसीलिए गुरुओं के आश्रम में जब हम जाते हैं तो गुरु लोग एक गुरु मंत्र देते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं आपने गुरु मंत्र किससे लिया है, आपके गुरु जी कौन है, क्या करा उन्होंने? एक मंत्र कान में कह दिया। कुछ गुरु कहते हैं किसी को बताना मत, हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं खूब बताओ, सबको बताओ, भाई जितने लोगों का भला हो अच्छी बात। कुछ लोग उसे पेटेंट करा लेते हैं कि मैं बताऊंगा तू मत बताइए, जिसको पूछना वो मेरे पास लेके आ, कान में बताऊंगा। खैर मैं उस विषय पर नहीं जा रहा, मेरा विषय नहीं है वो। तो माता जिस तरह उस बच्चे को खिलाती, से प्रत्याहार कहते हैं,
महर्षि चरणदास भक्ति सागर में लिखते हैं, प्रत्याहार जो पांचवा द्वार कहावे सो योगी को निश्चित चावे, मात्र की भांति जो पूत खिलावे सो निश्चित योगी कहलावे। योगी बनना है तो इसे अपने मन रूपी बालक को एक माता बन के खिलाना सीख लो। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं नहीं? क्या बात है, हाथ नहीं उठ रहे? कर सकते नहीं कर सकते डॉक्टर साहब? प्रयास करने से सब कुछ होगा, और प्रयास तो कर ही सकते हैं। डॉक्टर पराग अपना वीडियो ऑन करें, प्रकाश जी, डॉक्टर पराग जी वीडियो ऑन रखो ताकि हम लोग आपको देख सकें, आपसे जुड़े रह सकें। प्रीति बहन ठीक चल रहा है? आज समापन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से ही, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, नए जिन लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा बड़ा भी है। तो मन को बहलाना, योगी बनाना बड़ा सरल कार्य है, सहज कार्य है, यदि हमारा संबंध माता और पुत्र जैसा हो जाए तो। बहनों के तो बिल्कुल एकदम समझ में आ गया होगा, हर बहन के साथ ये समय बिजी रहा है, कोई ना कोई दिन तो ऐसा आया ही होगा जिस दिन माँ ही सिर्फ अकेली होगी घर में, है ना? आता है तो माओं को तो इसका अभ्यास है, पिताओं को भी करना है। तो अब इसमें ये हो गया हमारा प्रत्याहार। तो इन्होंने अब कहा कि ये प्रत्याहार का हम पालन करें तो इससे लाभ क्या होगा, इसका क्या फायदा है? तो इन्होंने कहा, परमावश्यित इंद्रियाणाम तथा परमावश्यित इंद्रियाणाम, तब इंद्रियों पर अपना पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा, फिर इंद्रियां हमारे अधीन हो जाएंगी, हम इंद्रियों के अधीन नहीं रहेंगे। अभी तक हम ज्यादातर कार्य कैसे करते हैं, इंद्रियों के अधीन होकर करते हैं। हमें इंद्रियों के अधीन होकर काम नहीं करना, बल्कि इंद्रियों के हमारे अधीन रहकर काम करना है। इंद्रियां मन के अधीन है, और मन आत्मा के अधीनस्थ हो जाए तो प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद जो पढ़ने के लिए अनिवार्य है, ये हमारा साधन पाद समाप्त हो। साधन पाद के 55वां सूत्र है, तथा परमावश्यक इंद्रियां। अब देखिए, एक मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जब अष्टांग योग में ही सब कुछ आ गया तो समाधि पाद अलग से लिखने की क्या जरूरत थी? पर समाधि पाद क्यों लिखा? मैंने आपको बताया कि जो समाहित चित्त पूर्व जन्म के संस्कारवान साधक हैं, उन्हें इस सारी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग क्षिप्त और मूढ़ प्रवृत्ति में हैं, वो उदास ना हो, वह लोग भी यदि प्रयत्न करना चाहें और योगी बनना चाहें तो फिर उन्हें अष्टांग योग का पालन करना हो। अब विभूति पाद में क्या है कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब कुछ प्राप्ति ना हो, स्वार्थ न सिद्ध ना हो, तो हम क्यों करें योग? तो इसने कहा कि विभूति पाद में जब आप ध्यान में जाकर बैठेंगे तो भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर साधना करेंगे तो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त होंगी, यानी सिद्धियां प्राप्त होंगी, अणिमा लघिमा गरिमा महिमा ईशता वंशता प्राप्ति और प्राकाम अष्ट सिद्धियां। इन सिद्धियों को भी प्राप्त करना है तो उनका रूट यही है। तो हम समाधि पाद विभूति पाद के सिर्फ 6 सूत्र लेंगे जो आपके इस अष्टांग योग को पूरा करें। आगे हम इसको ज्यादा नहीं दे रहे। अब इसमें आता है समाधि विभूति पाद में पहला है देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। अब ये धारणा की कैसे जाती है, धारणा की अवस्था क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आंखें बंद करके आप बैठे हैं और मैंने आपसे कहा कि ओम का चिंतन करो। आप ओम का चिंतन करते करते देखेंगे कि आपका मन तो चला गया, बच्चा स्कूल गया है नहीं गया। तो आपको जैसे ही पता लगा कि मेरा मन बच्चे पर चला गया तो उसे पकड़ के फिर लाओ और फिर ओम पर लगा दो। थोड़ी देर के बाद आपका मन बैल घर में बजाई, किसी ने दरवाजा भी खोल दिया पर आपके मन में आ गया कि कौन आया होगा। फिर जैसे ही आपको पता लगे फिर मन को लगाओ। तो जब तक ये खेल चलता रहेगा इसे धारणा कहेंगे। जब जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहली प्रक्रिया इसी से गुजरना पड़ता है, ध्याता और ध्येय, हम दो हैं, एक मैं हूं और एक मेरा जो मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है, वह परमात्मा हो सकता है, मेरा गुरु हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, ध्याता और ध्येय।
ध्याता जो है ध्येय को पकड़ने का प्रयत्न करता है और पकड़े रहना चाहता है। जब ध्याता और ध्येय एक हो जाते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, जब ध्यान पूरी तरह उसी शब्द पर लगा रहे, एक ही बिंदु पर लगा जाए, अर्थात ध्यानता और ध्यान के बीच में जो प्रतिक्रिया थी, पकड़ने की प्रतिक्रिया थी, वो समाप्त हो गई, एफर्ट समाप्त हो गया, ध्याता ध्येय के साथ जुड़ गया, तो फिर क्या है? ध्यान। तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप शून्य में समाधि, बस एक परमात्मा के सत्य का, परमात्मा का आभास हो रहा, परमात्मा कैसा, उसका सौंदर्य कैसा, उसकी लीला क्या है, वो होता कैसा, उसमें खो जाए और ध्याता ध्येय में विलीन हो जाए, स्वयं को खो दे, डिलीट कर दे, ध्याता ध्येय में विलीन हो जाए, इससे हम समाधि कहते हैं। त्रियम एकत्र संयम, इन तीनों से संयम एकत्रित होता है। धारणा ध्यान और समाधि के अभ्यास से हम संयम आता है जीवन में, एक संयम आता है, हम जिस स्थान पर मन को रोकना चाहें रोक लेते हैं, मन पर हमारा कंट्रोल हो जाता है, तज्जात प्रज्ञालोका। और फिर हम जैसे आज्ञा चक्र में ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र में ध्यान करने से हमें आध्यात्म की प्राप्ति होती है, हमें नाभि चक्र में ध्यान करने से शरीर के ऑर्गन्स की जानकारी, इंटरनल बॉडी की जानकारी हो जाती है, हमें समान वायु में ध्यान करने से हमारा शरीर तपाए हुए सोने की तरह, ये अलग अलग सूत्रों में अलग अलग विभूति पाद में प्रमाण किया, सूर्य संयमात तारा भुवनस्य ज्ञानम, सूर्य का ध्यान करेंगे तो लोक लोकांतरों का ज्ञान, चंद्रे तारा व्यू ज्ञानम, चंद्रमा का ध्यान करेंगे तो तारा व्यू का ध्यान, सौर मंडल का ज्ञान होता है, ध्रुव तदगति ज्ञानम, ध्रुव में ध्यान करेंगे तो ध्रुव का ध्यान करेंगे तो तारा सौर मंडल के तारों की गति के चलन का ज्ञान होता है, नाभि चक्रे कायादियो ज्ञानम, कंठकूपे क्षुति प्रपाशा निवृत्ति, कंठकूप में ध्यान करेंगे तो हमें भूख प्यास पर नियंत्रण आएगा, तो अलग अलग स्थान में ध्यान करने से अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसके लिए पूरा विभूति पाद है। और फिर चौथा कैवल्य पाद, कैवल्य पाद के लिए समाधि और समाधि में निरंतर बने रहने का प्रयास, समाधि में जाने के रूट, समाधि की अवस्था, ये कैवल्य पाद में वर्णन है। मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ज्यादा जरूरत है, पर दो चार सूत्र इसके आपको करा देता हूं। वैराग्य के बिना हम कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकते, तो विभूति पाद के 50वें सूत्र में लिखा तथा वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, हम वैराग्य के द्वारा अपने मन के जो दोष के बीज भी हैं उन्हें निकाल कर फेंक देते, दोषों को जन्म ही नहीं लेने देते। यदि कोई दोष उत्पन्न भी हो, मन में विकार उत्पन्न भी हो, तो हम उनको क्या कर देते हैं, जैसे गर्भपात, शुरू से प्रतिप्रसव या सूक्ष्मा, प्रतिप्रसव समय से पूर्व प्रसव, यानी विचार मन में पनपे उसकी से पहले उसे नष्ट कर दिया, उसको पनपने ही नहीं देते। जैसे माता के गर्भ में शिशु पूरा समय रहता है तो उसको वो पूर्ण विकसित होकर संसार में आता है तो पूर्ण पुरुष कहलाता है, लेकिन समय से पूर्व आए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो नष्ट हो जाता है, उसे हम प्रतिप्रसव कहते हैं। तो इसी तरह विचार का, हम विचार को आते ही उसका प्रतिप्रसव कर देते हैं, उसे पनपने ही नहीं देते ज्ञान के द्वारा, और वह प्रतिप्रसव किससे करते हैं, ज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर। गीता अध्याय 3 के 41 और 42 सूत्र में भगवान कृष्ण ने यह लिखा है, योग संचिन्न कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय, आत्मबंधन कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, कर्म के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो एकमात्र यही उपाय है कि ज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर अज्ञान से उत्पन्न होने वाले सभी विचारों को नष्ट करते जाओ, उनका छेदन वेदन करो। तो यहां इन्होंने कहा कि वैराग्य के द्वारा दोष के बीज हैं
उन्हें दूर कर दो, इसी को कैवल्य कहते हैं। अब हम कैवल्य पाद के एक दो सूत्र देखते हैं। सबसे पहले सूत्र में कहा समाधि में जाने के पांच रूट हैं, पांच प्रकार से समाधि में जाया जाता है, पांच प्रकार की प्रवृत्तियों के लोग समाधि में सहज जाते हैं। सबसे पहला है जन्म, कुछ लोगों का तो जन्म ही समाधि में जाने के लिए हुआ, पूर्व जन्म के तपस्वी हैं। औषधि, आयुर्वेद का सेवन करके बस भोजन को जीवन के लिए ग्रहण करते हैं, वो भोजन नहीं करते औषधि लेते हैं। जैसे हम गाड़ी जितनी चलती है उतना ही फ्यूल डालते हैं, फालतू नहीं डालते, इसी तरह बॉडी को जितने फ्यूल की जरूरत है उतना ही भोजन लेते हैं, निमित्त भोजन। इससे योग में शब्द मिला निमित्त भोजन, तो वो औषधि, मंत्र, कुछ लोग मंत्र का ध्यान करके, मंत्र का निरंतर चिंतन करके एक ही मंत्र को सारगर्भित रूप से निरंतर जप करें तो 12 वर्ष में मंत्र सिद्ध हो जाता है, इसे मंत्र योग कहते हैं। तो मंत्र के माध्यम से भी। फिर चौथा कारण है तप, तप के माध्यम से द्वंद्वों शरीर और इंद्रिय मन की शुद्धि करके द्वंद्वों को सहन करते रहना, द्वंद्वों से ऊपर उठकर जीवन जीना, ये भी समाधि में जाने का एक तरीका है। और एक तरीका है समाधि जा सिद्ध, अष्टांग योग का अभ्यास करते हुए समाधि में पुरुषार्थ करके समाधि की स्थिति बनाना, ये भी एक तरीका है सिद्धि प्राप्त करने का। और फिर इन्होंने कहा छठवें सूत्र में कहा कि एक और तरीका है, चार प्रकार के कर्म होते हैं संसार में, जो कर्म है वो कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। पहले कृष्ण कर्म, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगनस त्रिविधम इतरेशाम, यानी एक तो पुण्य कर्म जिन्हें शुक्ल कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म करने वालों को पुण्य फल भोगने के लिए जन्म लेना होता है, पाप कर्म करने वालों को दंड भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो कृष्ण को पाप कर्म कहा। अब कुछ ऐसे हैं कि जो मिश्रित हैं जिनमें पाप भी है और पुण्य भी है, ऐसे आपकी समझ में आ रहे होंगे। जैसे किसान खेत में हल चलाता है तो उसमें बहुत सारे जीव मरते हैं, पाप करता है, लेकिन जब अन्न उगाता है तो उससे बहुत सारे जीवों का पालन पोषण होता है तो पुण्य करता है, तो पाप पुण्य और मिश्रित भी होते हैं। हम किसी को पहले डांटते भी हैं और फिर वो सत्य को सामने आता है तो फिर प्यार भी करते हैं, बिना समझे ही कई बार हमारा मूड खराब दूसरे को डांट दिया, गलती किसी ने की, डांट किसी को पड़ गई पर सत्य सामने आया तो फिर प्यार करते हैं, तो पुण्य पाप मिश्रित भी होते हैं। लेकिन कहा योगिनः त्रिविधम् तजेत, योगियों के जो कर्म है इन तीनों से परे चौथे प्रकार के, जिनका न कोई पुण्य न कोई पाप, अर्थात वह भगवत कार्य करते हैं। योगियों के कार्य कैसे होते हैं, निष्काम भाव से भगवत अर्पण कार्य करते हैं, ईश्वर का जो कार्य है उस कार्य में वो सहायक, तो वो क्या करते हैं, ईश्वरी कार्य। स्वामी रामदेव जी महाराज इस समय जो योग सिखाकर और आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करके राष्ट्र के गौरव के लिए जो कार्य कर रहे हैं, योग को इंटरनेशनल बनाकर भारत को विश्वगुरु बनाने के क्षेत्र में जो काम कर किया, इसे मैं तो ईश्वरी कार्य कहता हूं। मैं स्वामी रामदेव जी महाराज के लिए काम नहीं करता, मैं तो परमात्मा के कार्य को करता। स्वामी जी महाराज परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं ईश्वर के कार्य में उनका अनुयायी हूं, उनका सहयोगी हूं। तो इस प्रकार से फिर इन्होंने एक शब्द और दिया कि योगियों को लगातार सावधान रहने की जरूरत है। एक समय च उभया नवधारणम, ये मन जो है एक समय में एक ही तरफ काम करता है। चित्ता नाम नदी उभयतो वाहिनी बहती पापाय च पुण्याय च, ये चित्त नाम की नदी एक समय में एक ही तरफ बहती है, ये दोनों तरफ नहीं चलती। जैसे हम एक सड़क के बीच में खड़े हैं तो हमें बाईं ओर जाएं या दाईं ओर जाएं, एक ही जा सकते हैं, दोनों में एक साथ नहीं जा सकते। ऐसे ही हमारा मन या तो अधोगामी होगा, वासनाओं में जाएगा, या हमारा मन ऊर्ध्वगामी होगा, परमात्मा के चिंतन में, ध्यान में और अध्यात्म में लगेगा।
हमारा मन बिल्कुल YouTube की तरह, YouTube पर हम एक धार्मिक भजन खोजें तो YouTube हमें दसियों बीसियों और पचासियों धार्मिक भजन उपस्थित कर देता है। लेकिन हम किसी वासनात्मक दृश्य की खोज करें तो वासनात्मक दृश्य देता है। यदि हम उसमें डाइट चार्ट सर्च करें तो वो डाइट चार्ट देता है, हमारा चित्त भी बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए हमें हमेशा ज्ञान रूप तलवार को लेकर साथ रहना है। यदि वो अधोगति की ओर जाता है, वासना की ओर जाता है, तो तुरंत उस विचार का छेदन करना है, और वह साधना में बढ़ता है तो उसका सहयोग करना है। तो मुझे लगता है समय भी हो गया, और योग दर्शन को इससे ज्यादा, देखिए योग दर्शन काफी बड़ा है पर साधकों के लिए इतना ठीक है। आप लोग क्या बहन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या बाईसीवी के लिए पढ़ रहे हैं या किस लिए पढ़ रहे हैं, उद्देश्य हमारा क्या है? नहीं सर, ये ना रिफ्रेशर कोर्स है योगा एंड मेडिटेशन का। इट इज फॉर टीचर्स, इट इज नॉट रिलेटेड टू आईसीबी। यस यस, तो इतना मुझे लगता है फिर पर्याप्त। हाँ, आज जो हमने किया अष्टांग योग, और अष्टांग योग के बाद चित्त की अवस्था समाधि में, अब निरंतर जब हम इसी परमात्मा के ध्यान में रहते हैं तो इसे हम धर्ममेध समाधि कहते हैं। जब धर्ममेध समाधि होती है तो फिर हम धर्ममेध समाधि से केवल की प्राप्ति करते हैं, शून्य में विलीन कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना योग दर्शन आप लोगों के लिए पर्याप्त है। अभी हमारे पास 10 मिनट का समय है, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर, सर हम कौन सर पूछना है? हाँ जी पूछिए सर। अंतरंग और बहिरंग के बारे में थोड़ी बताइए। अंतरंग और बहिरंग, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 हैं, तो पहले 4 बहिरंग हैं और बाद के 4 अंतरंग। अच्छा, यम नियम आसन प्राणायाम तक बहिरंग, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि अंतरंग। जी धन्यवाद। और कोई सर? सर प्लीज नियम के टाइप्स रिपीट कीजिए, प्रकार, नियम के 5 प्रकार। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधानानि। शौच, संतोष, तप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और ईश्वर, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान कर। ओके, थैंक यू सर। समाधि के जो 5 मार्ग आपने बताए उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्ध है, यानी समाधि का अभ्यास, यम से लेकर समाधि तक पूरी प्रक्रिया को तय करने को हम समाधि जा कहेंगे। ठीक है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि। और कोई? गुरु जी, आपने ये भी बोला ना अष्टांग योग करके भी समाधि की ओर जा सकते करके। हाँ जी, अष्टांग योग से समाधि जा शब्द से संबोधित किया, इन 5 में समाधि जा शब्द जो है वो समाधि का अभ्यास पूरी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए। धन्यवाद सर। और कोई? सर कल हम कौन सा टॉपिक लेंगे आप बताएं, आयुर्वेद या आयुर्वेद हठ योग? जो आयुर्वेद ले लेते हैं। हाँ, और परसों फिर हठ योग लेते हैं। अच्छा, तो आयुर्वेद को कल पूरा करना है। हाँ सर, एक ब्रीफ करना पड़ेगा। ब्रीफ कर लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं। हाँ नहीं तो फिर थोड़ा पार्ट बचता है, तो फिर अपन परसों कंटिन्यू करेंगे, और हठ योग को फिर थोड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि हठ योग प्रदीपिका पे और एक रिसोर्स पर्सन डिटेल में सेशन लेने वाले हैं, तो अपन आयुर्वेद को थोड़ा सा एक्सटेंड करके हठ योग को सुपरफिशियल लेते हैं परसों। ओके, ठीक है जी। तो कल हम लोग आयुर्वेद पे चर्चा करेंगे। आप लोग आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत देखना चाहें तो देख लीजिए पहले, और फिर कल आयुर्वेद के बारे में आपको एक बेसिक क्या क्या हमें करना है वो मैं बताऊं जी।
आप सबके साथ बहुत आनंद आ रहा है, आप लोग बड़ा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और बहन प्रीति पूरा समय हमारे साथ रहती हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी की वजह से ही हम लोग आप उसमें एक दूसरे का साक्षात्कार कर पा रहे हैं, हम लोग जुड़ पा रहे हैं। तो इसके साथ ही आज के सत्र का समापन करते हैं, सीधे ऊपर बैठ जाए और शांति पाठ करें। हेलो सर जी, बोलिए। आयुर्वेद में हम क्या पढ़ेंगे, ये फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ इसका फायदा है क्या? हाँ, आयुर्वेद में हम, मैं आपको हल्का सा ब्रीफ करता हूँ। सबसे पहला तो प्रश्न होगा, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की आवश्यकता क्या है, आयुर्वेद को हम अपने जीवन में क्यों अपनाएं, आयुर्वेद को अपने जीवन में कैसे उतारें, आयुर्वेद का हमारी दैनिक दिनचर्या, दैनिक जीवन में क्या महत्व है और उसका हमें अपने ऊपर फॉलो कैसे करते हैं, ये सिंपली क्वेश्चनों के उत्तर हम लोग देंगे, तो इसमें अब काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। समाधि एंड सलेखना विधि एज पर जैनिज्म बोथ सेम और एनीथिंग डिफरेंस? हाँ जी सर, समाधि और सलेखना विधि एक है कि अलग है? देखो बहन, मैं सलेखना विधि किसने नाम रखा है मुझे जानकारी नहीं। समाधि भारतीय दर्शन में है और जैन धर्म वालों का प्रेक्षा है और बौद्ध धर्म वालों का जैन धर्म वालों का प्रेक्षा है और बौद्ध धर्म का विपश्यना, बौद्ध धर्म वाले उसे विपश्यना कहते हैं। सलेखना नाम किसी और ने दे दिया हो मुझे जानकारी नहीं, और मैं जो मुझे नहीं पता है उसे मैं मिसगाइड नहीं करूं। जी सर जी, क्योंकि अनेक बहुत सारे धर्म गुरु हैं, जैसे रवि शंकर जी महाराज ने उसे सुदर्शन क्रिया और आर्ट ऑफ लिविंग का नाम दिया है, स्वामी जी महाराज ने वेद उसे, इसके मेन तो पर्यावाची तीन ही है। पहला है हमारी हिंदू फिलोसफी के अनुसार दृष्टाभाव, शरीर मन और आत्मा का एक हो जाना समाधि। इसी को जैन मुनि ने आचार्य महाप्रज्ञ जैन विपश्यना के बहुत अच्छे जैन प्रेक्षा के बहुत अच्छे आचार्य हुए हैं, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान की विधि को डेवलप किया। इसके बाद में तीसरा है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन पर बहुत जोर दिया और मेडिटेशन की उस अवस्था को उन्होंने विपश्यना के नाम से प्रचारित किया। तो इसी तरह सलेखना किसने किया है मुझे इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, पर शब्द सामने आया है तो मैं भी पता करने की कोशिश करूंगा। जी सर। वनिश्री मैडम, आई होप आपका डाउट क्लियर होगा आप भी थोड़ा सा उस पर सर्च करिए, या तो फिर सर हमें कल थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है? चलिए सर, आप एंड कर सकते। चलिए सीधे होकर बैठ जाए। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। ओम, आप सभी को पुनः नमन। बहन प्रीति का धन्यवाद। और UGC HRDT ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि आज के नवीन समय के विद्वानों को, बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं देख रहा हूँ इसमें ग्रुप में हैं, और उन्हें योग से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कार्य है। डॉक्टर का सीधा सीधा मैं तो इतना ही अर्थ जानता हूँ कि जो लोग अपने अपने विषय में महारत रखते हैं और वो ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन योग के बारे में चिंतन कर रहे हैं और आपके लिए UGC उसके लिए माध्यम बन रही है, तो निसंदेह धन्यवाद की बात रहे। और बुद्ध जी भी लोग योग से जुड़े और योग करने के लिए योग करें, ये एक बड़ी बात है। अधिकांश लोग योग करने के लिए योग नहीं करते, आज की एक विडंबना है, अधिकांश रोगी योग करते हैं रोगों के निवारण के लिए। तो बताओ योगी कैसे बनेंगे? योगी तो वही बन सकता है जो योगी बनने के लिए योग पढ़े। और ये कार्य UGC HRDC मिलकर इस कार्य को ये कर रही है और मुझे इसमें सौभाग्य दिया है
मैं इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे अपना ये सेशन एंड करते हैं। थैंक यू। अभी ये सेशन के ऊपर हमारा एक एग्जाम मतलब क्विज दिया है मैंने अपने साइट पे, प्लस अपना एक रिपोर्ट सबमिशन भी है, और जो अपना आफ्टरनून का सुनीता मैडम का सेशन होगा उसके ऊपर भी एक क्विज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं। वी विल मीट एट 1:30। और थोड़ा सा प्लीज टाइम पे ज्वाइन करिए, देर आर फ्यू पार्टिसिपेंट्स हु आर ज्वाइनिंग लेट। अभी तो आज का सेकंड डे है तो मैंने मीटिंग लॉक नहीं करी है। जैसे आज 8:30 बजे मीटिंग में ज्वाइन थे 19 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी एंड रिसोर्स पर्सन, म्हणजे टोटल किती जण होते, 17 जण होते, आपण आहोत 23-24 जण। ठीक आहे, तर जे बाकीचे जे 5-6 लेट आले त्यांना मी आज अलाव केलं आहे, पण आता 1:30 वाजताच्या सेशनपासनं आणि उद्यापासनं पण कंटिन्यू प्लीज टाईम मॅनेज करा, अदरवाईज मीटिंग मला लॉक करावी लागेल। तुम्हाला थोडं टायमिंग ॲडजस्ट करून सगळ्या गोष्टी मॅनेज करून करावं लागेल, बट आय होप यू विल कोऑपरेट विथ मी। ठीक आहे, तर थोडंसं मॅडम 1:30 च्या नंतर आल्यानंतर लॉक कराल ना तुम्ही? ऑफकोर्स, 1:30 वाजताच्या पहिली मी लॉक कसं करील, आपलं सेशन 1:30 चं आहे। आय विल वेट फॉर 5-10 मिनिट्स, कारण की हे ऑनलाईन आहे, एकदम आपण कट टू कट नाही ठेवू शकत, कधी नेटवर्क प्रॉब्लेम असतो, काही पण असू शकतं, पण तुम्ही जर एकदम 20-25 मिनिटं जर लेट जॉईन करत असतील तर मग बाकी पार्टिसिपंट, जस्ट लेट मी फिनिश, बाकी पार्टिसिपंट सोबत इनजस्टिस नको व्हायला ना, जर ते लोक वेळेवर जॉईन करत आहे आणि तुम्ही अर्धा तास लेट होऊन पण सगळ्या गोष्टी सुरळीत होत आहे, सो वन शुड बी पंक्चुअल बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू योगा, योगामध्ये डिसिप्लिन आणि या सगळ्या गोष्टी सगळ्यात प्रायोरिटीवरती येतात, तर कोणता पण कोर्स असो किंवा कोणती पण गोष्ट असो वन शुड बी पंक्चुअल, कारण की रिसोर्स पर्सन तुम्ही बघत असाल बरोबर शार्प त्यावेळेस आपल्यासोबत असतात, तर मला असं वाटतं की आपण पण त्यावेळेस बरोबर जॉईन करावं। 5-10 मिनटं तर मी स्वतःच वेट करीन, कारण की कधी काही नेटवर्क इश्यू ऑनलाईन असल्यामुळे आपण इतकं टोटो पॉईंटवर नाही घेऊ शकत, बट ये ख्याल में रखिए कि थोड़ा सा टाइम पे जॉइन करिए। 15 मिनटाचा आपल्याकडे वेळ असतो म्हणून मी 15 मिनटं पहिलेच मीटिंग सुरू करते की सगळ्यांना जॉईन व्हायला वेळ मिळाला पाहिजे। ठीक आहे, चला इथे थांबूया, 1:15 वाजता मी मीटिंग सुरू करते। थँक्यू ऑल ऑफ यू, थँक्यू। थँक्यू मॅडम। ज्यांनी अटेंडन्स मार्क नसेल केली अजून, अटेंडन्स मार्क करून घ्या।